मैं फिर ना बीमार हो गई टेंशन से, भाई कैसे। हाँ मैंने कहा मैं क्या करूँ, घर में खाने का नहीं था, बिल्कुल फाके थे, बारिश आती थी, हम भी अम्मी भी बैठे रहते थे, अब बच्चे सोते, हाय ये दीवार ना गिर जाए, छत ना गिर जाए, पानी अंदर आ जाता था, नीचे था बहुत, फिर हम पानी ऐसे निकालते थे। बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम किया, उनको पढ़ाया, बेटी को पढ़ाया, उसको एम ए इंग्लिश करवाया उसको, और दूसरी को बीए। कारवां की वजह से बेटी की शादी की, अच्छा माशाल्लाह ठीक ठाक। आपको देख के यहाँ की मोहल्ले की लड़कियाँ, उन्होंने आपसे कुछ सीखा, और कितनी लड़कियाँ हैं जितना जिन्होंने आपके पास आती हैं और सीखती हैं? ये मेरे अपने गाँव जो मैंने ये इनको काम सिखाया, अभी जाती थी कोई और भी थी, कहते हैं हम बाजी फरखंदा में, इनका जी हम कहते हैं हम आप जैसा बने। मैंने कहा अच्छा क्यों, क्या है मुझे? नहीं नहीं आप बहुत अच्छी हैं, आपकी वजह से हमारा चूल्हा जल रहा है। मैंने कहा अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, मैं इतनी इतनी दूर जाती हूँ। कि आपके शौहर आपके साथ देते हैं, मोहल्ले के और मर्दों ने भी इनका अपनी बीवियों का अपनी औरतों का साथ देना शुरू किया है? हाँ वो रोकते थे कि अपनी बीवी को बाहर ना भेजो, ज़माना ख़राब है, ये चीज़ें क्यों कर रहे हो, अल्लाह ताला देगा, ऐसे ना करो। अब जब लोगों ने हमारा ये चीज़ देखा सा, अब आपको शौक़ हो गया कि हम भी ऐसे बिजनेस से कारोबार करें, बुटीक खोलें? तो काफ़ी लोगों को गाइड किया, शुक्र है अल्लाह ताला का कि अब वो उनके खामद भी उनका साथ दे रहे हैं और वो बेचारे भी काम कर रही है, उनकी हेल्प हो रही है।